सगळा वैनर राम राम मऊ थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जो झलको झुंझुनू चैनल की देसी कोरोना जागरूकता यात्रा चल रही है, एक मैंने आज पापा पूछा हाँ झुंझुनू की एक नगर पालिका है बगड़, बगड़ नगर नगर पालिका में पापा पूछा हाँ देख सा के व्यवस्था है और जो के सुविधा है लोगों ने दी जा रही है। चैनल पर बना रहो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी समस्या चल रही है लोगों की, कोई भी समस्या अपन कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकें ताकि बस समस्या को समाधान निकालने की कोशिश करी जा सके। कुत्ते कड़े हो लेके आ रहे हो? ये मंडी से मंडी हूँ के ले गए कड़े, अभी कड़े लेके जा रहे हो? ये गोदाम में सब्जी के लेके जा रहे हो? सब्जियाँ के रेट है, सब्जी की रेट है जी। जो नगर पालिका कि बगड़ नगर पालिका मंडी है अठाऊ भी देख सा कि के व्यवस्था है कि नहीं। जो एक मेन जो असुविधा निकल के आ रही है कि लोगों के मतलब बाथरूम वगैरह की व्यवस्था को नहीं, लोगों अनावश्यक परेशान भी करे जा रहे हैं। बगड़ नगर पालिका में जो सब्जी मंडी है बैठे आप पहुँचा तो अभी देखा कि लॉकडाउन है। हाँ देख रहे होगे चैनल, देखा करो वीडियो, देखा करोगे कैसा लग रहे हैं वीडियो? बढ़िया लग रहे हैं, क्या बात है। मतलब छोटा छोटा बच्चा ही जो आज झलको झुंझुनू का फैन हो रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं बराबर। एनसीसी कैंडिडेट जो ही व्यवस्था बना रहे हैं अभी पूछा पा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखे जा रहे हैं हाँ। सबने हिसाब से सामान दिलाए जा रहे हैं हाँ। और सब बगड़ में स्वस्थ हैं, दूर दूर रखे जा रहे हैं, मास्क लगवाए जा रहे हैं, को मास्क नहीं लगवाए जा रहे बन सामान नहीं दे रहे हैं और जो भी बिना मास्क करे बन वापस घर भेज रहे हैं। भाई साहब जो गोला वगैरह कौन बना रखे यार रेडे का? इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही भाई साहब, यहाँ पे एक दो आदमी आता है वो सब्जी लेके चला जाता है। और भी जो आप बातचीत कर सा लोगों पूछ सा कि कह आ रहे हैं कि जो की व्यवस्था है, जो दुकान ही बापर की व्यवस्था है। हाँ भाई साहब कहें खड़े हो? बस सामान लेने गए डॉक्टर, सामान ले गेड़ो है जो कठे आए होते। मैं अलीपुर हूँ। अलीपुर अलीपुर हूँ। खेल आया, कोई टमाटर लिया, कोई दवाई लिए मेडिसिन साइड से। कठे आया हो? माखर से। माखर आया हो? जी हाँ जी। माखरू भी जो मतलब दूर दूर जो अपना नगर पालिका में चाल के आ रहे हैं। हाँ जी क्या व्यवस्था बना के रख रहे हो सब? बच्चा व्यवस्था पूरी है, पूरे मास्क वगैरह लगा के यहाँ पूरी व्यवस्था से। तो देखो घोड़ा वाला वगैरह कौन बना रखे थे? घोड़ा डेली बनावा, आज कौन बनाया? अच्छा डेली बनाओ और आज ही कौन बनाया? हाँ जी सर व्यवस्था बढ़िया एकदम बढ़िया है। तो सब्जी वगैरह के भाव में दे रहे हो अभी? सब्जी वगैरह वाजी भी दे रहे हैं। वाजी भी दे रहे हो? की रेट चल रही है? तो आपने जो एक की बात करा भिंडी के भाव चल रही है? 30 रुपये किलो जी। भिंडी वगैरह सब जो ही सब्जी आराम मिल रही है लोगों ने। हाँ साहब ठेकी व्यवस्था बना रहे हो? सब बढ़िया बन रही है भाई साहब, बढ़िया बन रही है। तो की व्यवस्था चल रही है बगड़ की आप बात करें तो? भी व्यवस्था पहले से हालात सुधरे हैं, अभी लोग समझदार भी हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान भी रखा है, मास्क भी लगा रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। व्यवस्था खूब बढ़िया बढ़ाई जारी है, सरकार की तरफ से भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन करी जा रही है, पालन करी जा रही है। ठेके व्यवस्था लोगों जो आपने बात करा बगड़ का जो नगर पालिका के लोग बन के सुविधा दे रहे हो अभी? नगर पालिका ने होम डिलीवरी दे रहे हैं लोगों ने, जितनी सर्विस हो सके हमारी तरफ से पूरी। लगभग दिन की कई होम डिलीवरी हो जाए? 3-4 डिलीवरी डली देते वहाँ। जो गाँव की बात करें आसपास के गाँव भी दे रहे हैं? आसपास के गाँव में दे रहे हैं 3-4। हाँ 3-4 गाँव। जो सीरियस कोई पेशेंट हो है, जो मान लो कई हैं कि कई के हार्ट की हार्ट ऑपरेशन हार्ट की जो दवाई बने मिल रही को ना, जो जयपुर वगैरह हो आपकी दवाई ले रहे हैं तो बांकले कोई व्यवस्था कर रहे हैं? ये भी मैं दवाई जयपुर से दिल्ली कोरियर से मंगा मंगा के व्यवस्था कर रहे हैं पड़ा। ये जो मेडिकल स्टोर बगड़ नगर पालिका सब्जी मंडी में आप पहुँचा, जो अठे की बात करी तो लोगों की सुविधा देने की पूरी कोशिश करी जा रही है। बगड़ जो मेन चौराहे है अभी आप बड़े पहुँचे हाँ तो देखा अभी कि बगड़ का मायने बहुत सी जो लॉकडाउन में छूट दी गई है, लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बाद में बहुत सी चीज़ें छूट दे दी गई। तो देखा कि काफ़ी चहल पहल बढ़ रही है कि लगभग दुकान ही बंद खोल दी गई है, स्वीट्स जो स्वीट्स होम ही बकमन भी छूट दी। हाँ साहब कि जो अभी मिष्ठान भंडारी है ना, वो जड़ा के है चाचनी की दुकान है, मिठाई की दुकान नहीं है सर। अजी ऊपर तो देखो एक मिष्ठान भंडार लिख रहा क्यों है? किराने का है, मिठाई का एक भी सामान नहीं है। आप को कोई सामान को नहीं? एसडीएम भी आके गए यहाँ पे, फूड इंस्पेक्टर भी आके गए हैं, बगड़ थाने वाले भी 3 बार आके गए, सब ने चेक किया है यहाँ पे। एसडीएम अनिता खिचड़ जी स्वयं आई थी यहाँ पे। की माहौल अभी जो लॉकडाउन में छूट दी गई है कि अभी देखा बहुत सी दुकान जो आपने खुल रही है, तो की व्यवस्था है अभी बगड़ की? एकदम शांत है बहुत। जो लोग ज्यादा भीड़ तो नहीं हो रही ना, क्योंकि देखा लगभग दुकान खुल रही है अभी, लगभग दुकान खुल रही है और डिस्टेंस काम कर रहे हैं। जो परमिशन वगैरह है कि
चश्मा वगैरह की तरह बगड़ थाना से HSO साहब से बात करी है और एक दो पुलिस से और बात करी है। जैसे बोले थोड़ी देर खोल लिया करो, जब कोई कस्टमर आओ भीड़ करनी नहीं है, मास्क लगा के रख लो, सैनिटाइजर साथ में रख लो, सैनिटाइजर है, मास्क साथ में है, डिस्टेंस है कि लोग देखो चश्मा की मेन जरूरत है अभी बिल्कुल। बहुत ज्यादा टूट जाए इमरजेंसी में, वो बा कोई बना रहा है, सबको कौन बना रहा है, यानी जो कोई आंख चेक करवाना आ रहा है नॉर्मल बा को कुछ कौन कर रहा है, जगह नंबर ज्यादा है चश्मा बिल्कुल टूट गए, जन चश्मा के बगैर कौन दिख रहा, सिर्फ बा को चश्मा बना रहा है। अच्छा, लोगों का नंबर हुए हैं, ज्यादा नंबर है, तो अगर कई बार केवल चश्मा टूट जाए तो फिर भी के बाद में नहीं दिखे तो भी के लिए चश्मा वगैरह बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, के सामान है साहब अपना? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, पंखा वगैरह जो तैयार करे जा रहे हैं, पंखा वगैरह बनाए भी जा रहे हैं। देखा अभी पूछा बाइक वगैरह के जो सर्विस वगैरह का काम चल रहे हैं, बगड़ की नगर पालिका की बात करा, बाइक सर्विसिंग वगैरह। हाँ जी, कौन है हूं? थे हो गए कई दिनों खोल रखी है दुकान? ये चार पाँच दिन से। चार पाँच दिनों तो के बाइक वगैरह ठीक करी जा रही है कि? हाँ, सर्विस वगैरह करी जा रही है बाइकें की। जो सावधानी बरत रहे होते, मास्क लगा रखा है, बार बार हाथ धोते रहते हैं साबुन से, कोई भी बाइक का काम करते हैं, काम करते ही हाथ धो लेते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ज़्यादा भीड़ तो कौन रही? ना ना, क्योंकि जो ज़्यादा 50% गाड़ियाँ तो जो असेंशियल काम में लेते हैं ना वही लोग आते हैं। हाँ जी, कौन सी रिक्वेस्ट में जी थे काली पाड़ी हूँ? हाँ जी बिल्कुल, बताओ क्या चल रहे हो अभी, के सुविधा के ले गए हैं हॉस्पिटल, दवाई पढ़ लेके बगड़ हुई? हाँ जी जी, और टाबर बीमार हो रहे हो? अच्छा अच्छा, मास्क लगा रहे हैं, घर बाहर निकल रहे को नहीं जी। की काम करा करो? काम तो झुन्नू दुकान है, रेडीमेड कपड़ा की। रेडीमेड कपड़ा की, ठीक है, भाई साहब की दुकान है लेकिन लॉकडाउन की वजह सिर्फ घर आई ही। थारे भी आसपास में क्या व्यवस्था करी जा रही है, जो भी समस्या चल रही है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, चैनल पर बने रहो, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करने के लिए जो ये लाल सो बटन है बिन्ने दबाओ, और एक करना जो घंटी सी है बिन्ने भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालोगे भी को नोटिफिकेशन थाने मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।